हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, और मतलब शाम का क्या, रात का टाइम है। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। और अभी कपड़े पड़े हुए हैं सारे, आज धूप निकली थी तो मैंने सारे कपड़े सुखा लिए। तो अभी उनको फोल्डिंग करना है, क्योंकि ना दिन में बहुत काम हो जाता है यार, टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी मैं आज से, मतलब अभी से स्टार्ट कर ले रही हूँ ये वाला ब्लॉग। तो कपड़े फोल्ड करने हैं, चलिएगा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पूरा ब्लॉग देखिएगा, इंजॉय करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये शैतान अभी भी नहीं सोया है। कितना 11 बज गए हैं रात के 11 बजे हैं और ये अभी तक सोया नहीं है। बच्चा जाग रहा है, इसका चलता रहेगा ऐसे ही। 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, जितनी देर हम जागते हैं उतनी देर जागता ही है। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, और अब मैं मिल रही हूँ सुबह। तो मैंने ये रोटियाँ बना ली हैं, और रोटी ये इतनी बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ मैं। और इधर तो और भी बड़ी बनाते हैं ये मराठी लोग, और ये इतनी रोटी मैं बना के रख देती हूँ। और ये मैं टिफ़िन में लगा दूँगी और इनको दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम नाश्ता बनाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं। क्योंकि ना गाइस, नाश्ता वो बोलते हैं शाम को बना दिया करो, सुबह तो कैसा हम भरपेट खा के जाएंगे। क्योंकि 12 बजे या 1 बजे होता है हमारा लंच, तो तब तक भूख लगाती है। और शाम को कैसा आते हैं तो फिर थोड़ा सा नाश्ता हो जाता है, तो हमारा भी हो जाता है और उनका भी हो जाता है, तो अच्छा रहता है ना। और अब ये पत्ता गोभी लेके आए थे, तो मैंने इसके ऊपर के छिकल गीले थे तो मैंने इसको निकाल दिया, नहीं तो ये अंदर ही अंदर ख़राब हो जाती। और लौकी की सब्ज़ी कुकर लगा दिया मैंने, थोड़ी सी लौकी बचा दी है मैंने। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो पुष्पा जी से अगर हम बोलेंगे खेत की, तो वो जाएंगे खलिहान में, और खलिहान की बोलेंगे तो फिर वो जाएंगे खेत में। मैंने उनको सिर्फ ये बोला था कि हमें थोड़ा सा किराना नहीं, मैंने ये बोला था ड्राई फ्रूट्स ले आना, जो कि जन्माष्टमी के दिन। तो तब का आज मैं ये सामान भर रही हूँ, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पाया 2-3 दिन। तो मैं ये पोहा भी रखा था उस दिन, मैंने आपको दिखाया था, गुड़ भी रखा है ना, चीनी ख़त्म हो गई, बाकी सब रखे थे, चना बना, नमक वमक सब रखा था। तो मैंने सिर्फ इनको ड्राई फ्रूट बोला था कि वो ले आना, लेकिन साहब की जेब में पैसे थे और भर ले आए किराना। सॉस ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला था सॉस ख़त्म हो गया है, अयांश कभी कभार खा लेता है, अच्छा लगता है उसको, तो देख लेना सॉस अगर हो जाए तो। चीनी ले आए, जो कि चीनी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी जब मैं चाय पीती हूँ तो ही मैं डालती हूँ चीनी, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मीठा कुछ नहीं बनाती हूँ। और ये चने ले आए अपने लिए। तो यार मतलब उनको बोलो ना, उनकी जेब में पैसे हुए ना तो ये सामान बटोरते रहते हैं, और लाई कोई खाता नहीं, मैं भी नहीं खाती हूँ और लल्ला भी नहीं खाता है ना, तो भी लाई इतनी बड़ा पैकेट लेके आ गए।
अब इसको नमकीन वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। तो मेरा झगड़ा भी हो गया था, मैगी ले आए तो मैगी तो मैंने खा ली दो बार बना के, दो पैकेट लेके आए थे तो इतना ही बचा है, एक दिन हम दोनों ने बना के खा ली और एक दिन हमने अकेले खा ली। तो ये सब हम डिब्बे में भर देंगे। और मुझे इतना गुस्सा आता है कि जब हम इनको बोलते हैं ना काम की तो सुनते नहीं हैं, और जब बोलो ना तो इतना भर के ले आते हैं सामान। तो मैंने ऐसे ही घुसेड़ के रख दिया बाल्टियों में, क्योंकि अभी पूरे डिब्बे भरे हुए रखे हैं, सारा सामान है ही ऑलरेडी, तो वो ख़त्म हो जाएगा, बरसात का मौसम है तो वो पहले ख़त्म हो जाएगा, तभी हम ये नया खोलेंगे। तो गाइस ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था, आप बताइए ये ब्लॉग कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम हेल्पफुल ब्लॉग के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।